क्या करना चाहिए, है ना। अब ये मौका है आप लोगों से बातें कर लूँ, फिर शायद मौका परेशान हूँ आप लोगों को बता दूँ और कहीं मैं भावुक होकर कोई गलत डिसीजन ना ले, तो फिर मैं बहुत रोने लगी। मैं बिल्कुल भी मैं राजी नहीं हो रही थी। कहीं ना कहीं एक बार हस्बैंड जी से मेरा बहस भी हो गया, नया कदम उठाना ही होगा दोस्तों, तो मैंने भी ये फैसला। हेलो फ्रेंड्स, सुबह के प्यारे प्यारे गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो चले हैं 7:30 बजने को है, बजे नहीं है, और बच्चे स्कूल चल गए। इधर देखें कपड़े सूख रहे सारे बच्चे स्कूल चल गया। हमारे इधर आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई। मैं बैठी कर रही थी कि थोड़ा सा बारिश कम हो और किचन में जाऊं, खाना ना बनाई नहीं हूँ दोपहर का, बस सिर्फ ब्रेकफास्ट दिया है बच्चों को, आज हलवा और परोठा दिया है तीनों बच्चों को। बारिश आज लग रहा छूटेगी है नहीं, ऐसा मौसम करके रखा हुआ है। इधर मेरे बर्तन बासन सब पड़े हुए हैं, मतलब कुछ काम अभी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। तो आज एक बहुत ज़रूरी आप लोगों से मुझे बात शेयर करनी है दोस्तों। ये खुशी का भी है, दुखी का भी है, और मैं शायद भावुक में कहीं कोई गलत डिसीजन ना ले लूँ, तो आप लोग बताइएगा मैं क्या करूँ और क्या करना चाहिए, है ना। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, क्योंकि कुछ भी होता है मैं आप लोगों से ज़रूर से शेयर करती हूँ बातें। फ़िलहाल तो आज भींग भींग के चलिए, पानी उन्हें भरना होगा थोड़ा सा। एक काम तो चलिए इजी हो गया, किचन में जैसे सिंक लग के बर्तन धोने में अब नहीं भीगना पड़ता है मुझे। चलिए छाता लेके वही भीग भीग के थोड़ा सा बाहर वहर का काम करना है, फिर मैं नहा लूँ। भोर सुबह से ही एकदम बारिश हो रही है, रात को हुई थी छूट गई थी, फिर सुबह से एकदम टिप 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 बारिश। ये सारे बर्तन हमने ले लिए हैं और छाता बाहर में रेडी है, तो चलते हैं अपना मोर्चा संभालने। दरवाजा बंद, घर पर छाता। तो दोस्तों बारिश में ना बहुत दिक्कत होती है, चले मोबाइल गिर ना जाए तो मैं मोबाइल को बंद कर दूँ। सावधानी से पूरा पिछला हुआ है साई जमा, देखिए हम अपने किचन में पूरा देखिए पड़ा हुआ है बासी काम। ये सावन की बरसातें ले आया है मौसम, छाता गिर रहा है। तो फ्रेंड देखिए मैंने ले आया है ये पंपकिन का फूल, जिसे हम लोग डिंगला बोलते हैं, तो थोड़े से हुए थे। इसका हस्बैंड जी को कच्चा डाल के टिक्की बहुत पसंद है, फिलहाल तो मुझे इसका पकौड़ा बहुत पसंद है, गोटे गोटे फ्राई। आप लोग खाए हैं कि नहीं बताइएगा जरूर। और साथ में थोड़ा सा भिंडी है, दाल मैंने चढ़ा दिया, उसमें दो आलू डाल दिया, आलू भिंडी की सब्जी बनाऊंगी और इसका थोड़ा सा हम पकौड़े तैयार करेंगे। डंठल को हमें तोड़ देना होता है, अंदर में एक बीज है, मैं आपको दिखाऊंगी, पहले मैं धो लेती हूँ उसे। गाँव में ये चीज अच्छा लगता है ना, सारे चीजें ऑर्गेनिक मिलते हैं, जैसे कभी तरसना नहीं पड़ता, जैसे साग हो गया, फल हो गया, छोटू हो गया, मशरूम, है ना, मतलब कुछ भी अगर सब्जी नहीं रहा तो टेंशन नहीं है। बगान से दो मुट्ठी साग तोड़ लिया, बना लिया सांभर, और साग का चटनी भी बना दिया। अगर घर में सपना पकारे साग खाने का अच्छा, और चलो 10 रुपये जुगाड़ करो फिर साग लाओ। तो चलिए दोस्तों इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो फूल को सारे धो लिया है मैंने, इसे हम देखिए कट करेंगे डंठल के बगल से, और इसमें से एक जो बीज निकलता है ना उसे हम हटा देंगे, डंठल और बीज को हटा देंगे। इसी तरीके से सभी को हम कट करके तैयार कर लेंगे, और इसका पकौड़ा जो ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर सब तैयार है, यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 से 4 बड़े चम्मच बेसन, 2 चम्मच चावल का आटा, आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काला नमक, सॉरी काला नमक बोल काला गोलकी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा गोटा वाला जीरा मैंने डाला है। अगर आपके पास नहीं है चावल काटा तो आप इसमें सोडा डाल सकते हैं 1 चुटकी। तो हमें अच्छा सा गाढ़ा थोड़ा सा बैटर तैयार करना है, चावल काटा से क्रिस्पी बनेंगे, और गोटा गोटा फूल को इसमें डिप करके इस तरीके से देखिए गोटा गोटा फ्राई करना है। तेल अच्छा गर्म हो चुका है, हाई फ्लेम पर हम सभी को तलना है। ये फूल बहुत जल्दी पक जाते हैं फ्लावर,
ढींगला का है, ऐसे गोटा गोटा ही हम फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे, एक साइड से सिकने देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से पलट पलट कर हम इसे फ्राई करेंगे। तो आप लोग कभी भी इसे खाए हैं कि नहीं बताइएगा कमेंट करके। जैसा कि मैंने बोला हस्बैंड जी को टिक्की बहुत पसंद है पोस्तू डाल के, तो इसे भी हम बनाते हैं। और इसे ऐसे ऐसे मतलब मैं देख ली हूँ ना बैंगन और या तो ये फूल, तो मुझसे रहा नहीं जाता, गोटे गोटे फ्राई करके मैं पकौड़ा ज़रूर बनाती हूँ। जैसे कि बैंगन भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर सारे पकौड़े यहाँ बन के तैयार है, तेल थोड़ा सा ज़्यादा था मैंने निकाल दिया है। सेम कढ़ाई हम आलू भिंडी की सब्जी बनाएंगे, थोड़ा सा मैंने राई डाला है फ़ौरन पे, प्याज और मिर्च हम डाल देंगे और उसके बाद भिंडी डाल देंगे। तो लीजिए हमारा टेस्टी सा पकौड़ी तैयार है, आप इसे सॉस के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी ले सकते हैं। और इधर हमारा सब्जी भी भून करके तैयार है, सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं, सब्जी मसाला जो पैरोट का है। और यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं फटाफट से काम कर रही हूँ, दाल हो गया था, दाल को भी मैं यहाँ पे छौंका लगा देती हूँ। और अभी ना कंटिन्यू हमारे इधर बारिश हो रही है, लेकिन पसीना तो छूट ही रहा है, बारिश की वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाता है किचन में, पूरा मेरा जो है ना पैर पानी पानी होते रहता है, जिस वजह से सर्दी लगने का डर रहता है और बुखार आने का भी। तो फिलहाल तो चलिए हम बहुत स्पीड में यहाँ पर काम करने वाले हैं, आज हमें कहीं निकलना भी है। तो दोस्तों आप ब्लॉग में बने रहिए, फुल ब्लॉग देखिए, और मेरा डिसीजन मैंने जो लिया है आप लोग उसको ज़रूर बताइएगा कि सही लिया या गलत लिया, जैसे भी है सारा कुछ आप लोगों के सामने है, शेयर कर रही हूँ, और आप लोग ज़रूर से बताइएगा, एक कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। तो सारे बर्तन यहाँ पे धुल चुके हैं, साथ ही मैं यहाँ पे सिंक को साफ़ कर दूँगी, रेक तो पोछा लगा लिया है और यहाँ पे पानी जम गए थे नीचे पे, तो टेबल को पोछा लगाने के बाद में पक्का को भी हम पोंछ लेते हैं जल्दी जल्दी से। और अभी रूम का काम भी थोड़ा सा बाकी है, तो रूम में भी जाके मुझे अभी झाड़ू वगैरह सब लगाना है। तो आंगन पे ना काफ़ी संभल के चलना होता है, मैं ही ज़्यादा गिरते रहती हूँ, पूरा यहाँ पर काई जो है ना जमा हुआ है, देख सकते हैं। चलिए दोस्तों किचन का सारा काम हो गया है, आलू भिंडी की सब्जी थोड़ा सा पकोड़े बना दिए हैं, दाल और भात हीटर पे चढ़ा हुआ है, यहाँ पर ठंडा पानी भी मैंने भर लिया है, बाहर बहुत काई जमा हुआ है, बार बार स्लिप हो रहा है। सो फ्रेंड घर से निकलने से आप लोगों से बात करने का मुझे टाइम नहीं मिला, तुरंत हम निकल गए और अभी हम हैं जमशेदपुर में। अब बच्चे देखिए गाड़ी में ही सो चुके हैं इधर आईसी, और जमशेदपुर में बहुत भयानक बारिश हो रही है देख सकते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम है तो रुके, हस्बैंड जी गए हैं कहीं, तो मैंने सोचा कि चलो अभी ये मौका है आप लोगों से बातें कर लूँ, फिर शायद मौका मतलब बाद में अभी बात करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला, दो दिन इतना बिजी थी लाइफ में, सोची थी गाड़ी में भी आप लोगों से बात करूँगी बट वहाँ भी पॉसिबल नहीं हो पाया, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और फिर बहुत ही ज़्यादा मैं बिजी थी। तो फाइनली अभी दूसरे दिन थोड़ा सा मुझे टाइम मिला, तो अभी सब नाश्ता वास्ता हो गया, ब्रेकफास्ट मतलब सब कंप्लीट हो गया, काम ख़त्म करके मैं बैठी हूँ, तो सोचा कि चलो आप लोगों से मैं बातें कर लूँ थोड़ा, और मैं किस चीज़ को लेकर इतना परेशान हूँ आप लोगों को बता दूँ, और कहीं मैं भावुक होकर कोई गलत डिसीजन ना ले लूँ, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर मुझे क्या करना चाहिए। कि ये जो है ना, ये एक तरफ से बहुत खुशी की भी बात है और दुख की भी बात है, लेकिन दुख से ज़्यादा खुशी का बात है ना, क्योंकि कई बार हम ऐसे होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्वार्थी बन जाते हैं और अपने स्वार्थ के लिए हम मतलब दुख को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे देते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो दोस्तों ज़्यादा घुमा फिरा के मैं नहीं बोलूँगी, तो मैं जो जिस चीज़ से परेशान हूँ, खुश भी हूँ दुख भी हूँ, वो है मेरे बेटे को लेके, लक्ष्य को। तो दोस्तों स्कूल से इसका नोटिस आया, मतलब ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आया है, तो उसमें जो है ना लक्ष्य का एनसीसी में सेलेक्ट हुआ है लक्ष्य, जिससे कि लक्ष्य को कैंप में जाना है 4 दिन के लिए, पेरेंट्स अलाउ नहीं है और 4 दिन बच्चों से हम फ़ोन पे बात भी नहीं कर सकते हैं, बस सर सिर्फ अपडेट देते रहेंगे व्हाट्सएप में। तो सबसे पहले तो मेरा रिएक्शन था कि नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं जाने दूंगी, और काफ़ी सारे पेरेंट्स भी इसमें बोले, बट फिर सर समझाएं कि बहुत मुश्किल से बच्चों को इसमें भाग लेने का मौका मिलता है, और आपका बच्चा बहुत नसीब वाला है जो उसका सिलेक्शन हुआ है, है ना एनसीसी में। तो फिर मैं बहुत रोने लगी, मैं बिल्कुल भी मैं राज़ी नहीं हो रही थी कि नहीं, तो फिर मुझे हस्बैंड जी समझाएं कि अपने स्वार्थ के लिए कब तक तुम बच्चे को अपने पास रखोगी, आज नहीं कल तो लक्ष्य बड़ा होगा, पढ़ने के लिए बाहर जाएगा, अपना करियर बनाने तो बाहर जाएगा ना, शादी होगा, अपना बीवी बच्चा लेके वो अलग हो मतलब
रहने लगेगा जिंदगी में, तो कब तक तुम्हारा बेटा छोटा रहेगा? तो दिल पर थोड़ा सा पत्थर रखो, अपना स्वार्थ को दबाओ और बेटे को जाने दो, ताकि उसे भी मालूम, बाहरी दुनिया पता चले कि बिना पेरेंट्स का कैसे बाहर में सब चीज़ मेंटेन होता है। स्काउट में जैसे एनसीसी में उसका हुआ है, तो स्काउट में सारा चीज़ों सबको सिखाया जाएगा और काफ़ी सारा तैयारी जो भी सर व्हाट्सएप में भेज रहे हैं उन्हें बेच जीत के आना। और लक्ष्य के साथ साथ बाकी और 9 बच्चे हैं, मतलब 10 बच्चे हैं, लड़कियां भी जा रही है। तो मेरा दिल तो नहीं मान रहा था, मम्मी जी भी नहीं बोल रहे थे, बट मेरे ससुर जी और हस्बैंड जी समझाएं कि नहीं, ऐसा मौका बहुत कम लोगों को ही मिलता है, उन्हें जाने दो। तो दोस्तों मैं क्या करूँ आप बताइए, क्योंकि मैं अपने बच्चे को, कभी भी दोनों बच्चों को अपने से दूर नहीं की हूँ, एक रात के लिए भी नहीं। और अब 4 रात मेरा बेटा अलग, मतलब बाहर में रहेगा क्या? हालांकि वहाँ सब सुविधा है, सर बोल रहे हैं और सर भी जा रहे हैं, पूरी टीम जा रही है एनसीसी की, है ना, पूरा टीम जा रही है, लेकिन फिर भी एक माँ का जो दिल होता है ना, कभी इस बात के लिए राजी नहीं होता है। और जब से मैं ये खबर सुनी हूँ ना, मुझे अंदर अंदर खाया जा रहा है कि मैं अपना कलेजा का टुकड़ा कैसे 4 दिन के लिए मैं भेज दूँ बिना उससे बात किए, मतलब 4 दिन बिना बेटे से बात किए, बिना देखे उसको रहना होगा। तो कहीं ना कहीं एक बार हस्बैंड जी से मेरा बहस भी हो गया, ना करते करते फिर मैं समझी और मेरे घर के भी लोग समझाएं कि जो तुम्हें जो चीज़ आज़ादी नहीं मिली, मतलब हमारे टाइम पे, इस डर के वजह से आज हम अकेले कहीं नहीं जा पाते हैं। कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो डर है कि नहीं, अकेले मैं कैसे कर लूँ, कहाँ जाऊँ अकेले, है ना। तो बच्चों में हमें वो डर नहीं कर जगाना है, उन्हें अकेले एक्टिव होना होगा कि नहीं हम अकेले भी कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, तो कुछ कुछ नियम है तो घर में उसको मुझे तैयारी करना है, बट बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, लेकिन उसके भविष्य के लिए ये मुझे कठोर कदम उठाना ही होगा दोस्तों। तो मैंने भी ये फैसला लिया है कि हस्बैंड जी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, बेटे को मुझे जाने देना चाहिए। खुद के ममता को साइड में रख के अगर हम देखें, क्योंकि मेरा अकेले का बच्चा नहीं जा रहा है, बाकी और 9 जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे भी जा रहे हैं, है ना। तो क्या मेरा फैसला सही है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और बहुत मुश्किल से ऐसे होता है सिलेक्शन, जैसा कि सर बोले उसमें से लक्ष्य है जिसका सिलेक्शन हुआ है एनसीसी में, और स्काउट ड्रेस के साथ उन्हें सब चीज़ें सारी फॉर्मेलिटी को पूरी करते हुए जाना है, वहाँ अपना बेटर देना है, जो भी है सीखे हैं और बेच जीत के आना है। तो देखिए मैंने डिसीजन लिया है, दिल पर बहुत पत्थर रख के और खुद ममता को एक पल के लिए साइड में रख के सोचा कि नहीं, हस्बैंड जी ठीक बोल रहे हैं, बच्चे के भविष्य के लिए ये करना चाहिए। तो दोस्तों यही बातें थी जो आप लोगों से मुझे शेयर करनी थी, कि एक खुशी की बात ये है कि लक्ष्य का सिलेक्शन हुआ है एनसीसी में, तो 4 दिन कैंप पे उसे जाना है फैमिली से दूर। और दुख इसलिए हूँ कि एक माँ हूँ, अपना कलेजा का टुकड़ा को कभी आँखों से दूर नहीं जाने दी, इस बात से दुख हूँ। तो उम्मीद है कि मैंने फैसला सही लिया होगा बच्चे के लिए, खुद के दिल को पत्थर रख के, और हमें ऐसा करना भी चाहिए, है ना, क्योंकि आज हम ममता को अगर हावी होने देंगे ना बच्चों के ऊपर, तो हो सकता है कि कल हमें पछताना पड़े। तो जो हमारे साथ हुआ वो हम अपने बच्चों के साथ तो होने नहीं दे सकते ना, उन्हें अकेले सक्षम बनाना होगा हमें। तो बस आप लोग अपना राय जरूर दीजिए, और बाकी जैसे होगा नेक्स्ट ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर होगा, कि सुनीता कुछ भी बातें छुपाती नहीं है, जो बताने लायक होता है सारी बातें आप लोगों से शेयर करती है। तो आप लोग अपना राय जरूर दीजिए कि लक्ष्य के लिए हम लोगों ने अच्छा डिसीजन लिया है, उसे 4 दिन के लिए फैमिली से दूर एनसीसी में, मतलब जाने का अनुमति दे दिए हैं। काफ़ी मतलब बहस होने के बाद मैं नहीं समझ रही थी, क्योंकि कहीं ना एक माँ का दिल जो होता है ना, फट से मतलब अपने बच्चों की तरफ ही आकर्षित हो जाता है, नहीं नहीं हम अपना कलेजा का टुकड़ा को कहीं जाने नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं वो मैं भी कर रही थी, फिर हस्बैंड जी ने मुझे समझाया। आप बताना जरूर, और हैप्पी भी बहुत हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ बेटे के लिए।